क्या संगीत जैसा क्रियात्मक विषय प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑनलाइन सीखा जा सकता है बिना गुरु के सामने आए, बिना गुरु संगत किए, बिना उनकी सेवा किए, बिना सीना बसीना हुए? क्या बिना गुरु शिष्य परंपरा के भी संगीत सीखा जा सकता है? गाना हो, तबला हो, हारमोनियम हो, कुछ भी हो, क्या ये विषय या कथक है ऑनलाइन सीखा जा सकता है वीडियोज़ के माध्यम से या भले ही वीडियो कॉल के माध्यम से? क्या मुमकिन है या नहीं? और अगर मुमकिन है तो किन किन चीज़ों की वजह से, हमारे अंदर क्या होना चाहिए कि हम ऑनलाइन सीख पाएँ, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए और अगर वो होंगी तो हम ऑनलाइन नहीं सीख पाएंगे? तो आज क्योंकि काफ़ी वर्ष से ऑनलाइन सिखाने का थोड़ा सा तजर्बा रखते हैं हम लोग, तो अपने एक्सपीरियंस अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ऑनलाइन म्यूज़िक, ख़ास करके म्यूज़िक का स्टूडेंट होने के लिए आप में क्या क्वालिटीज़ चाहिए। हम आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे, भला गमों से। तो ऑब्वियसली सीखने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो एक गुरु सिखाते हैं। वो आपको ये सिखाते हैं कि सीखने से पहले सीखा कैसे जाता है, आपको एक अच्छा शिष्य बनाते हैं। उसके बाद वो आपको कोई भी विद्या देंगे, संगीत की हो, नृत्य की, गायन की, वादन की, किसी भी प्रकार की अगर शिक्षा की हम बात कर रहे हैं और वो प्रैक्टिकल है तो वो गुरु के सामने ही सबसे बेहतर होती है। ये तो इसका तो कोई दो राह नहीं है इसमें, या इसमें क्या बोलते हैं, कोई अल्टरनेट नहीं है कि आप नहीं नहीं ऑनलाइन हो जाएगा, है ना। स्वाभाविक है कि जितना बेहतर गुरु संगत से या उनके साथ रहकर सीखा जा सकता है उतना बेहतर तो आप ऑनलाइन नहीं सीख पाएंगे, मगर फिर भी कुछ चीज़ें हैं। और संगीत प्रवाह वर्ल्ड से अगर आप ऑनलाइन सीखते हैं तो कुछ ख़ास बातें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं और ऑनलाइन भी आपका काम हो सकता है, क्योंकि स्वाभाविक है ऑनलाइन भी एक मजबूरी है साथ ही साथ एक बेनिफिट है, दोनों चीज़ें हैं भाई। मजबूरी उन लोगों की कि जो आ नहीं सकते, है ना, गुरु शिष्य बन नहीं पा रहा है, वो रिश्ता नहीं बन पा रहा है ऑफलाइन उनसे, क्यों? क्योंकि कुछ भी रीज़न हो सकता है, दूरी हो सकती है या अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे एरिया में गुरुजी की, उतना अच्छा संगीत नहीं सिखाया जा रहा है और ऑनलाइन वो चीज़ मिल रही है, या फलां कोई जगह मिल रही है, अब वहाँ हम जा नहीं सकते या उतना खर्च नहीं कर सकते या कोई भी कारण हो सकता है, तो एक तो ये मजबूरी होती है और ऐसे ही लोगों के लिए ये बेनिफिट भी होता है कि यार यहां नहीं मिल पा रहा है तो एटलीस्ट ऑनलाइन तो मिल रहा है, एक बढ़िया चीज़ हमको जो ऑफलाइन नहीं मिल सकती वो ऑनलाइन मिल रही है, तो क्यों ना उसको जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्यों ना उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा जाए और तुरंत सीखा जाए। तो संगीत प्रवाह वर्ल्ड वैसा ही काम कर रहा है। मैं आपको ये नहीं यहाँ बताने की ज़्यादा कोशिश करूँगा कि संगीत प्रवाह वर्ल्ड से ऑनलाइन आप कैसे ठीक से सीख सकते हैं, बल्कि ये बताने की कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन आप अगर किसी से भी सीखते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला शब्द जो मैंने अभी आपको बोला था, डिसिप्लिन, जो कि एक गुरु आपको सिखाते हैं, विद्यार्थी बनना आपको सिखाते हैं, अगर वो बात आप अपने अंदर रख लें तो ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है। देखा जाए तो मैंने जितने वीडियोज़ दिए हुए हैं उसमें ट्यूटोरियल्स हैं, एपिसोड 1 से लेकर जितने एपिसोड्स आप देखना चाहें वो सब हैं, गाने में, हारमोनियम में, तबले में, ढोलक में, हर चीज़ में, हर विषय में है, रियाज़ में, लय ताल में, एडवांस अलंकार में, हर चीज़ मैंने बता दी। फिर भी लोगों को ज़रूरत पड़ रही है एक गाइड की, क्योंकि सब कुछ पता होने के बावजूद एक चीज़ है जो आप नहीं रखते हैं, वो है डिसिप्लिन, वो है नियम, वो है खुद से बैठना। सबसे पहले कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, अब वो मोटिवेशन नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। क्लास में जाना ये एक मोटिवेशन होता है कि वहाँ जाएंगे, एक वो माहौल मिलेगा, गुरुजी हैं, एक घंटा है, वो क्लास का प्रेमिस है, टेस्ट है, वो सारा परीक्षा होने वाली है, डिग्री है, यानी कोई ना कोई रीज़न लगता है आपको सीखने के लिए, कोई ना कोई इंसेंटिव होता है आपके पास, बिना उस इंसेंटिव के आप उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं। ऑनलाइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, न गुरुजी डांट सकते हैं, न हमें मार सकते हैं, और नहीं गए तो भी क्या हो जाएगा, ये हम अल्टरनेट बना लेते हैं, प्राथमिकता से उसे हटा देते हैं। अगर ऑनलाइन में भी हम ये सोच लें कि नहीं, एक घंटा हमें डेली देना है और या जितना समय उन्होंने बोला है उतना रेगुलर देना है, तो हम ऑनलाइन में भी उतना ही बेहतर सीख लेंगे, ये मेरा दावा है, ये संगीत प्रवाह वर्ल्ड का दावा है।
क्यों है ये दावा? क्योंकि हम हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं आपको, वीडियो मॉड्यूल्स से लेकर लाइव क्लासेस से लेकर लाइव रियाज सेशंस हों, पीडीएफ्स हों, डॉक्यूमेंट्स हों, लूप्स हों, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि आप सीख सकें। मतलब आपका काम आसान बनाने के लिए हम हर हद तक जाने को तैयार हैं। आपको कोई नई चीज़ चाहिए, हम उस पर नया वीडियो बना देंगे, जा जा के लोगों से रिसर्च करेंगे। आपको ताल पक्ष नहीं समझ आ रहा, हम तबले वालों को बिठा बिठा के उनके साथ ताल रिकॉर्ड कर करके एक एक बोल को स्लो करके आपको समझाएंगे। हर चीज़ हम कर सकते हैं, मगर एक चीज़ है जो हम नहीं कर सकते, वो है कि आपको पकड़ के बिठाना। अगर आप यहाँ होते, हॉस्टल में होते या ऑफलाइन स्टूडेंट होते तो गुरुजी ये कर भी लेते हैं। जैसे हमारे पिताजी तो बड़ा ये काम किया करते थे कि बच्चे नहीं करते थे तो उनको पकड़ पकड़ के बिठाते थे कि चलो नहीं बैठो, तुम ज़्यादा वहाँ टाइम वेस्ट मत करो, ये करो वो करो, है ना, डिसिप्लिन रखते थे, शासन रखते थे। तो पहले शासन होता है, फिर ही अनुशासन आता है। अनुशासन खुद से आ जाए तो और क्या ही चाहिए, लेकिन पहले माता पिता का शासन रहता है हम पर कि नहीं तुम ये करोगे, रूल रहता है एक तरह से कि नहीं तुम्हें करना है, मजबूरी में करना पड़ता है। और फिर क्यों मजबूरी में? क्योंकि हमें नहीं पता ना हमारे लिए क्या बढ़िया है क्या गलत है, है ना। तो हम तो बस कुछ और करने की उसमें फिराक में रहते हैं, लेकिन हमारे माता पिता ये जानते हैं, हमारे गुरु ये जानते हैं कि नहीं तुम्हारे लिए ये सही है, तो वो ज़बरदस्ती आपको बिठाते हैं। तो ज़बरदस्ती बिठाने वाला कोई चाहिए, इसीलिए हम क्लास ज्वाइन करते हैं। दूसरा इंसेंटिव क्या हो जाता है भैया? पैसा खर्च हो रहा है, आपका पैसा जा रहा है, महीने के 4,000-5,000 आपका जो है रुपया जा रहा है, तो आप वो सोचोगे कम से कम कि नहीं यार इतना पैसा जा रहा है तो इसको वर्थ बनाने के लिए हम सीख लें। यानी कोई ना कोई इंसेंटिव आपको चाहिए कि जो आप काम करना चाहते हैं वो इंसेंटिव भी हो जाए तो मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन भी हो जाए तो शासन चाहिए कि कोई ना कोई हमें हमारे सर पे चाहिए, अगर वो नहीं है तो हम ऑनलाइन नहीं करने वाले। ऑफलाइन में भी यही सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपके ऊपर ये सारी चीज़ें न रखी जाएं तो आप ऑफलाइन में भी नहीं करने वाले हो, है कि नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन नहीं किया जा सकता, हम करा रहे हैं, हमें मालूम है, और हमारे कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कर भी रहे हैं। लेकिन बस यही है जो मैंने अभी बोला ना, ऑफलाइन में तो क्या है, आप एक जगह जा रहे हो ना, एक कमरे में जा रहे हो, एक म्यूज़िक क्लास है तो एक प्रेमिस बनता है, माहौल बनता है, आप अपने आप को घर में वो दो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे तीन चीज़ें अपने विद्यार्थियों से चाहिए रहती हैं जब वो मेरी क्लास में जुड़ें, कॉपी कलम और कोना। ये तीन चीज़ें मैं मांगता हूँ कि एक कॉपी पेन लेके बैठो और एक कोना लेके बैठो जहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करे। यानी एक घंटा जब तक मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ तब तक आप मेरे सामने मौजूद हो और मैं आपके सामने मौजूद हूँ, हम एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले हैं। यानी वो एक घंटा आपका है और मेरा है, वो हमारा है, एक दूसरे का है, यानी उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। क्लास अगर आप एक बार चले गए, स्कूल एक बार आप चले गए, तो आपको पता है कि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई आपको बीच में से उठाएगा नहीं, फुल कंसंट्रेशन, फुल फ्लो आपका बन सकता है। लेकिन घर पे ये समस्या रहती है, आप बैठे अभ्यास करने हो या क्लास करने हो, घर वाले कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें देंगे कि चलो बेटा यहाँ से यहाँ आ जाओ या वहाँ से वहाँ आ जाओ, कोई शोर हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो कंसंट्रेशन नहीं बनता है ना सीखने में ना अभ्यास करने में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ विद्यार्थियों को कि जब भी आप ऑनलाइन सीखने बैठें तो कोना लेके बैठिए, यानी रूम लॉक्ड है, जो व्यवस्था है, जो सुविधाएं, वो सारी लेकर बैठें, पानी की बोतल हो, आपका साज हो, मेट्रोनोम हो, दूसरा मोबाइल फ़ोन है या जो भी है। बीच बीच में बार बार उठना, ये अगर आप करने लग गए तो काम ख़राब होता है, आपका फ्लो टूटता है, कंसंट्रेशन टूटता है कि नहीं? तो अब अगर ये जो ऑफलाइन की सिचुएशन अगर आप ऑनलाइन घर पे बना सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। हाँ, स्वाभाविक सी चीज़ है, एक वाइब, एक वाइब्रेशंस बनते हैं, ऑरा बनता है, वो नहीं मैच हो पाता है, स्वाभाविक है। जो ऑफलाइन में ही हमें, अगर हम किसी गुरु के पास गए हैं तो एक उनकी एनर्जी होती है जो हमें कई बार वही सिखा देती है ज़्यादातर, तो वो नहीं मिल पाता है, या जो ग्रुप क्लासेस का माहौल है वो हमें नहीं मिल पाता, ये ऑनलाइन का नुकसान है। लेकिन आप अपने आप को नेगेटिव साइड्स को देखने की तरफ क्यों लीन कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड्स को लीन करने की कोशिश कीजिए कि आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं तो एक कंसंट्रेशन हम तब भी बना सकते हैं। जो जो चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं वो तो नहीं अवेलेबल हैं, पर क्या करें, मजबूरी है ना, हम नहीं कर सकते, नहीं अवेलेबिलिटी अगर गुरु की है और ऑनलाइन ही करने को मिल रहा है तो उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाने में क्या जा रहा है। प्रैक्टिस नहीं करते हम, अभ्यास करने में कोताही बरत देते हैं क्योंकि ऑनलाइन है, कोई टेस्ट नहीं है। अभी मैंने जो हाल ही में एक छोटी सी चीज़ लिख के कम्युनिटी पोस्ट में भी डाली थी कि शिक्षा जो है वो बिन परीक्षा के अपूर्ण होती है, जब तक परीक्षा न ली जाए उस चीज़ की तब तक वो इनकम्प्लीट है। आपकी जांच तो हुई नहीं तो आपको पता ही नहीं कि मुझे वो चीज़ आती है कि नहीं आती है। मैंने जो वो मान्यता बिठा ली है या जो अपना एक संकल्प ले लिया है या एक सबक मैंने सीखा है ज़िंदगी में, तो वो मैं वाकई सीखा हूँ या नहीं सीखा हूँ, ये चीज़ परीक्षा से ही मालूम चलती है, इम्तिहान से ही पता चलता है कि जो सीखा था वो वैलिड हुआ या नहीं हुआ, मैंने वाकई सीखा या सिर्फ मैं सोच रहा था कि मुझे आ गया, है ना। तो संगीत में भी वही चीज़ है, बिना परीक्षा होता नहीं काम, तो परीक्षा देनी पड़ती है, यानी कोई जांचेगा। अब
आप, ये मैं ऑनलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहीं आपको यूट्यूब की बात बता दूँ, जहाँ ये सारी चीज़ें हैं नहीं, जहाँ सिर्फ वीडियोस से सीखना है, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर वीडियोस बना रखे हैं अपने पूरे चैनल को एक्सप्लेन करते हुए। जो लोग हमारे पास आते हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है इतना कि हम सीख पाएँ, या उतनी फैसिलिटी नहीं है, उतना वक्त नहीं है, तो हम क्या करें, तो मैं यही कहता हूँ कोई बात नहीं, फ्री क्लासेस भी हैं। और फ्री क्लासेस में बहुत मुश्किल है कि हम लाइव अटेंड कर पाएँ फ्री, हम वो भी कोशिश करते हैं, कई सेशंस रखे हैं अपने यूट्यूब पर, तो ये वीडियोस तो हमारे फ्री हैं ही हैं, जिसमें मैं हर एक बात बता रहा हूँ। लाइव करने की मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन क्योंकि मैं भी काफ़ी चीज़ों में व्यस्त हूँ तो मैं नहीं कर पाता उतना, लेकिन हमने इसके लिए पूरे मॉड्यूल्स बना रखे हैं, एपिसोड्स बना रखे हैं, उनसे भी घर बैठे आप सीख सकते हो। इवन जब आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हो ना, तब मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपका जो भी आप मुझसे सीखोगे पहले मैं आपको उसकी वीडियोस ही दूंगा, यानी स्वाध्याय करवाऊंगा, सेल्फ स्टडी आप करिए, ताकि जब मुझसे आप जुड़े, ऑनलाइन क्लास में जुड़े, तो वो इंटरैक्टिव हो। सबसे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं और दे रहा हूं कि इंटरैक्टिव होनी चाहिए आपकी क्लास। इंटरैक्टिव यानी आप पैसिव लिसनर न हो, एक्टिव लिसनर हो। एक्टिव लिसनर यानी आपका योगदान हो उस कॉन्वर्जेशन में, ऐसा नहीं कि चुपचाप बस वहां नहीं ठीक बोल रहे हैं, ऐसी जवाब मुझे मिलते रहें, क्योंकि ये तो वीडियोस के साथ भी हो सकते हैं। लाइक अभी आप मुझे देख रहे हैं तो बैठे बैठे हाँ हूँ तो कर ही रहे होंगे, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे तो कर ही रहे होंगे ना मन ही मन में कि हाँ सही बात बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे लाइव क्लास में नहीं चाहिए ना, ये काम वीडियोज़ के साथ कर लीजिए, फिर जो डाउट्स बनते हैं वो लेकर आइए मेरे पास और ऑनलाइन में हम हल करेंगे उन्हें। तो कोना चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, सेल्फ स्टडी इतनी कि आपके मन में सवाल हो, डाउट्स हो, रिसर्च चाहिए, मंथन चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तब जाके ऑनलाइन भी आप उतना ही बेहतर सीख सकते हैं जितना ऑफलाइन सीख सकते हैं। ऑफलाइन में भी नहीं सीख सकते अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ऑफलाइन में तो गुरुजी के पास जाके काम हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ जाओगे रोज़ बैठोगे, रोज़ ऐसे कैसे वापस आ जाओगे, है कि नहीं। उसमें भी सीखना नहीं होगा अगर अंदर से चिंतन नहीं किया है यहाँ पर, तो वो चिंतन चाहिए, यानी अच्छे विद्यार्थी के जो लक्षण हैं वो सारी बातें मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक विद्यार्थी में क्या लक्षण होने चाहिए। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट आ रही है, अगर इसको आप देख लें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएंगी कि व्हाट शुड बी, हाउ शुड बी अ स्टूडेंट, है ना, विद्यार्थी होना कैसा चाहिए, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं जो बहुत बहुत ज़रूरी हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। तो ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जो ज़रूरी होती है। दूसरी कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊं तो अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, थोड़ा साउंड प्रॉपर जाए तो बेहतर होता है, वीडियो आपका प्रॉपर आ जाए। वैसे तो वीडियो का ऐसा कुछ खास है नहीं, क्योंकि लाइक हमारा काम वैसे भी सुनने का है और गाने का है, तो वीडियो का ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो अगर आपका अटके तो चलेगा भी, वीडियो ना दिखे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ वीडियो देखने से ये रहता है कि मौजूदगी का आपका सबूत हो जाता है कि हाँ वाकई आप यहाँ बैठे हो, ये नहीं कि कैमरा बंद करके कहीं और कुछ काम कर रहे हो, है ना। घर में यही होता है अक्सर कि हम क्लास लेते लेते हम चार दूसरे काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है फिर कैसे सीखोगे, कंसंट्रेशन बना ही नहीं, आपका एकाग्रता हुई नहीं। अब आ जाओ कुछ टेक्निकल और चीज़ों पर, आपको एक दूसरा डिवाइस की ज़रूरत रहती है जिसमें आप मेट्रोनोम या तानपुरा चलाएंगे, क्योंकि जब आप जूम पर क्लास ले रहे हैं या वीडियो कॉल पर कोई सा भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो आवाज़ कटती है आपकी, है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको कुछ ऑडियो लूप्स दें, अब वो ऑडियो लूप्स चलाने के लिए आपको एक दूसरा डिवाइस चाहिए, अब वो दूसरा डिवाइस है नहीं है तो दिक्कत आती है कि हम आपको गंवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लैग करता है ना, टाइम डिफरेंस आता है, मैं यहाँ बोलूँगा एक सेकंड बाद आप तक वो आवाज़ पहुँचेगी, तो आप मेरे साथ में ताली नहीं लगा पाते हैं, लय नहीं लगा पाते हैं, सुर नहीं लगा पाते हैं, स्वर प्रॉपर नहीं जाता है, इसीलिए आपको मुझे रिकॉर्ड करके भेजना पड़ता है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को से ये अरेंजमेंट करवाऊँ कि जितना हो सके उतना साफ ऑडियो मुझ तक पहुँचे, लाइक ऐसा ना हो कि खरखराहट आ रही है, उसमें शोर आ रहा है, क्योंकि जितना साफ ऑडियो आप मुझे देंगे अपनी आवाज़ का उतनी ही बारीकियाँ मैं उसमें बता पाऊँगा कि भैया ये साफ का उतर रहा है, चढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा डिवाइस आपके पास होना चाहिए, अच्छी ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए बेसिक सेटअप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं कि आप माइक्रोफोन्स खरीद रहे हो या ऐसा कुछ नहीं, ईयरफोन है और फ़ोन है, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, कोना है, स्टेबल आवाज़ है, शोर वगुल से दूर हो, बस और क्या चाहिए, है ना। कॉपी पेन है, नोट्स बना रहे हो आप बाकायदा, अगर जो मैंने काम दिया वीडियो मॉड्यूल दिया कि ये वीडियो देखो और ये तैयार करना और अगले क्लास में हम ये लेसन जांचेंगे, तो आप उसको जांच कर उसको अभ्यास करके मुझे व्हाट्सएप पर भेज रहे हो वीडियो ऑडियो फॉर्म में, तो मैं जांच रहा हूं उसको। तो ये कुछ बेसिक से नियम होते हैं कि गुरु जो बोल रहे हैं, जो टीचर बोल रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो करना, क्योंकि ऑफलाइन में भी यही सारी चीज़ें चाहिए ना। आप होमवर्क करके नहीं लाएंगे तो मैं क्लास वर्क में कराने क्या वाला हूं आपको, रोज़ नया दूंगा क्या आपको, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे, मैं बता तो दूंगा लेकिन कर नहीं पाओगे, है ना। अब आ जाओ, साज कुछ चाहिए क्या, हाँ हारमोनियम की तो आवश्यकता होती ही है अगर आप सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि
या तो आप मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे, सुर के साथ सुर मिलाएंगे, अगर वो नहीं समझ आ रहा है तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप मिला पाएंगे, तो इसीलिए हारमोनियम भी लगता है आपको। इलेक्ट्रॉनिक तबला तानपुरे की अगर नहीं भी आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप मोबाइल में उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपका काम आसान बना रही हैं इनफैक्ट। लेकिन बस एक चीज़ है जो कोई नहीं कर सकता आपके अलावा, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर वो आप ला सकते हैं, नियम से काम करने वाले आप हैं, क्योंकि मैंने देखे हैं विद्यार्थी जो हैं और जो नहीं हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑफलाइन में भी नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन क्या, रोज़ जाते हैं गुरुजी के पास, रोज़ वैसे का वैसे ही मुँह उठा के चले जाते हैं, कुछ प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, तो वो फिर ऑफलाइन भी नहीं सीख पाते हैं, तो ऑनलाइन तो क्या ही सीखेंगे। तो हो सकता है ऑनलाइन ज़्यादा मुश्किलात नहीं हैं अगर आप संगीत प्रभावल से सीखते हो, इसका तो मैं दावा कर सकता हूँ। बाकियों का मुझे नहीं आइडिया, हो सकता है वो भी अपनी तरफ से पूरी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन हमारी तरफ से तो यह है कि हमने आपको स्टडी मटेरियल में टेक्स्ट हो, ऑडियो लूप्स हो, अलग से वीडियोज़ बनाने हों, हर चीज़ बताने की हमने कोशिश करी है, है ना। बस ज़रूरत है थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने की, खुद से बैठने की, अपने आप को रोज़ाना का नियम बनाने की, एक घंटा तो मुझे क्लास में दे, क्योंकि कई बार ये भी होता है क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही ऑनलाइन में, हफ्ते में दो दिन हो रही है मान लीजिए, बाकी दिन आप क्या कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं, बाकी दिन आप घूमने चले गए, बाकी दिन आप कुछ और काम करने लग गए, अल्टरनेट दे दिया आपने, तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हो सके तो रेगुलर क्लास ज्वाइन करो, है ना। अब रेगुलर ज्वाइन करोगे तो एटलीस्ट ये है कि रोज़ नियम से एक घंटा तो झकमार के बैठना पड़ेगा, क्योंकि क्लास का समय हो चुका है, आपका पैसा जा रहा है ना। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है, हफ्ते में एक दिन भी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, बाकी दिन तो काम करो, खुद से तो कुछ बैठो, पूछने के लिए हम हैं, व्हाट्सएप पे पूछ लो, हमको कॉल कर लो कि भैया क्या समस्या आ रही है, तो हम आपको बता देंगे। लेकिन नियम बनाने की ज़रूरत है। ऑनलाइन जैसे ही कोई चीज़ आ जाती है तो हम उसे हल्के में ले लेते हैं, और जैसे ही हल्के में लोगे काम ख़राब होगा आपका, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऑनलाइन में भी उतने ही डिसिप्लिन से अगर बैठ गए तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक क्लियर था, और भी बातें हो सकती हैं इसमें, जो मैंने शिष्य के गुण बताए हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, आप ज़्यादातर बातें समझ जाएंगे, फिर ऑनलाइन क्या बेहतर ही सीखेंगे बिना किसी के गाइडेंस के भी, ठीक है। शुक्रिया।